अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उठ गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी सोच ही रही थी कि क्या करूँ। तो फिर भाई लोग ने बोले कि आज कुछ खाना है अच्छा, तो वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। इन लोगों से भी पूछी मैंने कि तुम लोग ही बता दो कि मैं क्या बनाऊँ। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या खाना है तुम लोग को, तो तुम लोग ही बता दो। तो बनाने जा रही हूँ मच्छी का सालन। ऐसे काफ़ी टाइम से मैंने कुक नहीं करी थी। मैं सोच ही रही थी, कल भी मैं सोच रही थी कि मच्छी का सालन बनाऊँगी, फिर दिशान खाता नहीं है तो मैं सोच रही और बनाऊँगी। हाँ, फिर उसके बाद में बाकी सब खाते हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे मच्छी ऐसा कोई ये नहीं है कि मच्छी नहीं खाते। तो चलो किचन में बनाना स्टार्ट करते। मैंने धो के इसमें मसाला लगा दियो। ये मसाले में मेरे पास करने के लिए है नहीं साथ में, तो ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पा रही हूँ। फास्ट मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि मैंने उसमें क्या क्या मिलाई हूँ। पागल है। तो मैंने क्या क्या मिलाई हूँ उसमें मैं आप लोग को जल्दी से बता देती हूँ। मच्छी में मैंने पहले नमक डाली, नमक डाल के हल्दी डाली, फिर मच्छी का मसाला आता है फ्राई का, वो मसाला मैंने डाल दी, हल्दी मिर्ची सॉरी हल्दी तो मैंने डाल दी, मिर्ची का पाउडर डाली हूँ, नमक डाली हूँ, नींबू डाली हूँ, हाफ नींबू डाली हूँ मैंने, 1 kg मेरी मच्छी है तो उसमें हाफ नींबू डाली हूँ, और ये रेड वाला मसाला ये कलर आता है वो मैंने डाली हूँ इसमें। तो ये सब डाल के अच्छे से मैंने उसको मिला के अब मैं रख दी हूँ इसको थोड़ा देर होने के लिए, फिर जब तक कि हम लोग हमारी ग्रेवी का मसाला पीस लेते हैं। तो सब मसाला पीसना है, कुछ भी इसमें अखा डालना नहीं है, सब मसाला पीस के फिर उसमें डालना है। तो क्या क्या मसाला डलेगा वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, वो बता के फिर आप लोग मसाला पीस के ग्रेवी चढ़ा देंगे। मैंने ये मसाला निकाल लियो, टमाटर ले लियो, प्याज ले लियो, हरी मिर्ची ले लियो। तो अभी हम लोग इसमें सब डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी इसमें हम लोग डाल देंगे लाल मिर्ची की बुक्की। सब हम लोग को पीसना ही है, कुछ हम लोग को ऐसा साबुत डालना नहीं है। ये डाल दिए, इसमें डालेंगे हम लोग हल्दी, वह हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे हम लोग। डालेंगे इसमें ज़ीरा, वैसे पिसा जीरा भी डाल सकते हो आप लोग, मैं साबुत डाल रही हूँ। हम लोग डालेंगे इसमें मच्छी का मसाला, हम लोग डालेंगे इसमें लहसुन, मैं पिसा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। ऐसे ज़्यादा ये साबुत लहसुन भी डाल सकते हो, मैं पिसा हुआ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ है, और लहसुन इसमें जितना डालोगे उतना ही अच्छा है, तो मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि मेरा 1 kg है बस। मैंने ये कोकोनट का दूध रेडी कर दियूँ, और ये मसाला मैंने निकाली थी वो भी मेरा अच्छे से बारीक एकदम पीस गया है। मैंने तेल फ्राई करने रख दिए हैं, ये हमारी मच्छी है बस इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस ऐसी शैलो फ्राई करेंगे। हमारा फर्स्ट राउंड है, तो मैंने इसमें फिश डाल दी हूँ। अब देखो थोड़ा ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमको, हाफ ही फ्राई करना है, 50% फ्राई करना है और 50% हमको इसमें पकाना है सालन में। तो हम मच्छी फ्राई हो गई है पूरी, तो अभी हम लोग इसका भगार कर देंगे फटाफट से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो पहले इसमें डालेंगे राई, पक गई है ना वो, राई तो बस खा लेता ना इसी में, थोड़ी सी मेथी और जीरा और कड़ी पत्ता। इसका हम लोग नहीं मम्मी, इसका भगार देके फिर उसके बाद ही हम लोग ये मसाला जो हम लोग ने प्यूरी पीस के रखे है वो प्यूरी इसमें हम लोग डाल देंगे। खट्टी है थोड़ी, इमली डाली नहीं, इमली नहीं डाली, खट्टी नहीं है वे, खट्टी लग रही है, खट्टी कैसे लगेगी सही में, इसमें कुछ खट्टा ना, पकाने ही नहीं आता है। अच्छा तू पका ले, तू ही पका ले, तेरे को आता है तो निकल निकल से नहीं, इसको आता है तो अब यही पकाएगा खाना। मैं तो नहीं निकल रहा, इसको कुछ पकाने आता है नहीं, थोड़ा मैं बता देता हूँ इसको, देख ऐसा ऐसा कर ले।
तुम्हें अच्छा बन जाए। देखो देखो अब मेरा हाथ लग गया है, अब अच्छा बन जाएगा। इसको अच्छे से थोड़ा, ये तेल मेरा थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं था, ये वजह से मैं थोड़ा रुकी हूँ, वरना ये डाल के एक दो बार चला के फिर डायरेक्ट हम लोग प्यूरी डाल देंगे, क्योंकि हम लोग का ये तेल ज्यादा गर्म था नहीं। तो प्लीज क्लोजअप में दिखाओ। भून के मैंने इसमें ये, इसमें ना वैसे सादा पानी नहीं डलता है, इसमें ना खोपरे का दूध ही डालना पड़ता है, तो इसमें दूध डाल दियो मैंने। देखो कंसिस्टेंसी इसकी ना मैंने ऐसी रखी। ओहो, मेरे हाथ लगने की वजह से ये सब हुआ। अबे अबे तुम लोगों को बनाने कहाँ आता है? तुझे ही तो आता है सिर्फ बनाने। ये बॉय, देखो ऐसे सब रेसिपीज के लिए मेरे को कॉन्टेक्ट करे, बिलाल खान 30 इंस्टाग्राम पे, हाँ पता चला कहाँ पे धोनी है। अच्छी भी डालती हूँ, तो अब थोड़ा बॉयल आएगा तो हम लोग गैस बंद कर देंगे। हो गया फिर तो, हो गया है मच्छी का सालन बन गया है, ऐसे बनता है। अगर आप लोगों को बनाना होगा तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है बनाकर। अगर बनाओगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि मैंने मच्छी का सालन आपकी रेसिपी का ट्राई करी हूँ, कैसा बना है कैसा नहीं ज़रूर कमेंट करना। मेरा सालन हो गया है रेडी, ये है लास्ट बस। हाँ तो गाइस इधर दिखा, इधर दिखा, आप लोगों को पता है टाइम कितना हो रहा है? देखो 3:15 तक हो रहा है, और देखो बच्चा भी रो रहा है उसका। खाने को टाइम पे तो देर ही नहीं है, अब पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा, कैसा भी रहेगा खाना पड़ेगा, और इतनी भूख लग रही है कि अच्छा ही लगेगा। अच्छा ही लगेगा, अच्छा बना है, इसलिए अच्छा बना है। खाना टाइम पे नहीं दी तूने आज, खाना क्या टाइम पे नहीं दी, तो आया इतना लेट सामान लेकर। सामान था सब, कड़ी पत्ता नहीं था, बस वही नहीं। वही नहीं था। मेरे को चाय पी के मेरे को थोड़ी क्रेविंग्स, अपनी स्टार्विंग कम करनी पड़ रही है, कैसे चलेगा यार। हाँ चल, हम लोग हो गए हैं रेडी, जा रहे हैं डीमार्ट सामान लेने के लिए, घर का राशन लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मम्मी काफी टाइम से मम्मी भाई को जिद कर रहे हैं कि अवरेश चल जाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अरे तो आज भाई ने मम्मी को बोला है, हाँ चलो ठीक है सामान लेकर आ जाओ, तो हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए। ओला आ गई है हमारी, तो चलो जाते हैं। आ गए हैं हम लोग, डीमार्ट पहुंच गए हैं। ये देखो नाज मम्मी शवो का है, अच्छा शवो वहाँ पे पर्स को वो कराने के लिए गई है, तो चलो जाते हैं डीमार्ट में। तो आ गए हैं हम लोग डीमार्ट में, अब जो भी है सामान फटाफट से लेते हैं, तो देखते हैं क्या क्या सामान लेंगे हम लोग आज। बहुत ही ज़्यादा खर्चा होने वाला है, पता है हम लोग को पहले से ही मम्मी बहुत ज़्यादा खर्चा करा दे रही है। काफ़ी कम चलती है ना, बड़ी है वैसे जब चीज़ें लो ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ लेने का, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक चलती है, मैं ऐसा सोचती हूँ। बाकी पता तो अभी मैं ये सोची यहाँ से मम्मी कैरेमल लेने का, देखो ना वाला जो कैरेमल हम लोग को चाहिए, वो वाला कैरेमल ले क्या मम्मी। चलो नाज मम्मी को सामान कैसा पकड़े है हाथ में, ट्रॉली आ रही है, कौन सी है मैगी? एक नंबर कौन है, तीखी नहीं है, तीखी खाली तो हरी मिर्च डाल दो, मगर बहुत टेस्टी है, ले ले नको। मैं चलो यहाँ पे से नमक ले मम्मी, ये कितना लेंगे? पाँच। वो आपका ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैसा है नहीं, वो दबा हुआ है ना, इसे अपन ये कर सकते हैं, कर्तव्य दिखा रहे हैं, कर्तव्य एक महीना चलता। तो चलो दाल ले लेते मम्मी, 5 किलो दाल चाहिए ना, तो यहाँ नहीं नहीं वो सस्ती रहती, अच्छा था दाल। तो मिला था नहीं पड़ी लाइन, कितना घूम रहा है। तो अभी हमें ये निकालते हैं।
पे जब आती है तो सेल्फ सर्विस है, जो भी लेना है अपने हिस्से ही लो। ज़्यादा लेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जितना चाहिए उतना लेना। गाड़ी उधर है, घर खत्म हो गई है, ऐसा लेना पड़ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बॉटल दे, देखो मिनी बॉटल कितनी प्यारी लगी, इसके कवर ज्यादा अच्छे लगे, येलो है, ब्लैक है, कवर अच्छे है नहीं है ना मम्मी? हाँ, इसके कवर छोटी ज्यादा अच्छी लग रही, क्यूट भी, लेकिन इसमें बड़े में कवर नहीं है। चल पे हम लोग सॉफ्ट टॉयज देखने आ गए। नाजो मम्मी बताओ जरा कौन सा लिया अपन? ये हम लोग ने ले लिया मुस्तजाब के लिए, बस सिर्फ मुंह में लेता है वैसे तो, कुछ ये करता नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिए। देखो सब खिलौने बेबीज के लिए है यहाँ पे, तो पूरी ट्रॉली भर गई है हम लोग की यहाँ पे, अभी भी लेना ख़त्म नहीं हो रहा है। और देखो नाजमा मम्मी पीछे कपड़े देखते हुए, हाँ चलो जल्दी से अब बिलिंग करा लेते, देखते क्या है। तो चलो आ गए हैं हम लोग घर डी मार्ट से। बाप रे बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई, चेंज वेंज करके मस्त मैं अपना बैठ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा आज मम्मी ने खर्चा करा दिए, तो चलो वो सामान वामान ले लिया अच्छे से, जो भी वैसे भी मंथ का मंथ की अभी न्यू शुरुआत हुई है, मंथ स्टार्ट हुआ है तो अब सामान तो लेना ही था, तो राशन ऑलरेडी मतलब ख़त्म होने पे ही था, ख़त्म हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी अब ये वेट नहीं करना चाहिए ना कि ख़त्म हो जाए सामान। तो हम लोग ने पूरी शॉपिंग करके आए आज, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है हम लोग ने। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।